हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं मीनाक्षी राठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज हमारी क्लास में हम सिसमम यानी कि तिल के इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड आई गेस यू आर ऑन द वे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है। इट्स लाइक मिड अगस्त और सितंबर में आने के र्यूमर्स तो फैल रहे हैं, तो आपकी नोटिफिकेशन आने वाली है गाइस। अब थोड़ा सा गियर अप करिए और सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो भी लोग हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें। आप सभी लोग अड्डा की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर टाइप कीजिए ADDA247। इस ऐप में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, क्विज प्रैक्टिस करने को मिलेगी। सो यू कैन डाउनलोड द ऐप। अगर बात करूं आपके बैचेस की, सो गाइस आप सभी को पता है आज हो गई है 6 अगस्त, ठीक है। 7 अगस्त यानी कि लास्ट डे है आपके नाबार्ड की एप्लीकेशन फिलिंग का। So guys, gear up and fill the form, and if you want you can join us for your preparation. मेरे दूसरी तरफ आप एग्रीकल्चर महापैक देख रहे हैं। एग्रीकल्चर महापैक उन लोगों के लिए होता है जो मल्टीपल एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं ना। दे वॉन्ट टू गिव FCI, दे वॉन्ट टू गिव FSI, दे वॉन्ट टू गिव ICR, दे वॉन्ट टू गिव हरियाणा EDO, दे वॉन्ट टू गिव IBPS AFO। तो सारे ही बैचेस की इसमें आपको लाइव क्लास मिलती है, वीडियो रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, ई बुक्स मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, ठीक है। सो यू कैन हैव दिस बैच। कैसे इस बैच में एनरोल करना है ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगी। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गोपाल। इनके ऑफर प्राइसेस यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। एनरोल कैसे करना है क्लास के लास्ट में बताऊंगी। ये ऑफर प्राइसेस आपको कब मिलेंगे, जब आप कोड का इस्तेमाल करेंगे Y448, 4+4 8 होते हैं। एंड देयर इज गोइंग टू बी सम गुड न्यूज, सो आई वुड से होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। आज के लिए अपने एनरोलमेंट को थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा और एक बार अड्डा की साइट विजिट करके देखिएगा। इवनिंग आवर्स में यू विल मे बी यू विल सेव सम मनी, ओके। आई एम नॉट श्योर बट मे बी यू कैन, ओके। चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। एंड गाइस, क्लास स्टार्ट करने से हमारे पहले फंक्शन कह रही हूँ, क्वेश्चन जो है वो क्या होता है, मुंह दिखाई का होता है ना। तो पहले मुंह दिखाई कर लीजिए अपने इस सिसमम के इंसेक्ट की और बताइए कि ये कौन सा इंसेक्ट है सिसमम का, विच इंसेक्ट इट इज। ये कौन सा इंसेक्ट है जो कि तिल क्रॉप में आता है। सिसमम इज तिल, है ना। तिल को और क्या कहते हैं, जिंजली कहते हैं। जिंजली, जिंजली किसको कहते हैं, तिल को कहते हैं। जिन्होंने तिल नहीं देखा हो तो यह गूगल करके जरूर देख लीजिएगा। मेरे तो फेवरेट हैं क्योंकि मुझे तिल खाना बहुत पसंद है, ठीक है। FCI टेक्निकल के बच्चे, आपके बायलिंगुअल क्लासेस हैं, जो आपको नोट्स मिलेंगे वो तो आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन जो आपको समझाया जाएगा वो आपका बायलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। तो समझाने का जो प्रोसेस होगा वो इंग्लिश हिंदी बोथ होगा, लेकिन नोट्स आपको केवल इंग्लिश में ही प्रोवाइडेड होंगे। चलिए लेट्स सी। एंड इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है जिंजली लीफ एंड पोड बॉरर। इसीलिए मैं कह रही थी कि तिल को जिंजली भी कहते हैं ना, सुनाई नहीं दिया आप लोगों ने। तो इसको क्या कहते हैं, जिंजली लीफ एंड पोड बॉरर कहते हैं, ठीक है। इट्स अ मोथ, आपकी लीफ और पोड्स में ये बोर करती है, उन पर अटैक करती है। तो इसका नाम क्या है, लीफ एंड पोड बॉरर इसका नाम है, ओके। चलिए ऐसे ही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और सिंपल सी बात है, अब हमने इसका कॉमन नेम देख लिया है तो साइंटिफिक नेम की बारी आ गई है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर जिंजली लीफ बोरर। कोनोगेटिस पंक्टिफेरलिस है, एनोमिस सेबुलिफेरा है, पेक्टिनोफेरा गोसिपोला है, एंटी गैस्ट्रा कैटालोनेलिस है। अजय को कोई वॉइस नहीं आ रही है। गोपाल, यू आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, गोपाल एंड विवेक, कैन यू हियर मी? हेलो, देयर इज नो प्रॉब्लम फ्रॉम देयर यार।
अजय जस्ट चेक योर कनेक्शन बच्चे, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑन द माई साइड. ओके, कोई और प्रॉब्लम फेस कर रहा है सेम तो बता सकता है. चलिए, जिंजली का साइंटिफिक नेम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर जिंजली? तो बच्चे, जिंजली का साइंटिफिक नेम है एंटी गास्ट्रा कैटालॉनेलिस. ठीक है, एंटी गास्ट्रा कैटालॉनेलिस. ठीक है, तो जिंजली इज रिलेटेड टू जिंजर, है ना? जिंजली जिंजर से रिलेटेड है. एंड लाइक जिंजर हैज एंटी गैस्ट्रिक एक्टिविटीज, एंटी गैस्ट्रिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी गैस्ट्रा हो जाएगा, एंटी गैस्ट्रा. कैटालियोनेलिस याद कर लेना यार, इतना तो करना पड़ेगा, और टिक लगाने के लिए इतना काफी होगा. ओके, टिक लगाने के लिए इतना काफी होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर. फैमिली ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर, लीफ एंड पॉड बोरर की फैमिली क्या है? नॉक्टिडी फैमिली, पायरेलिडी फैमिली, थ्रिपिडी फैमिली, या फिर कोई और फैमिली से ये बिलोंग करता है? जनरली हम इसी फैमिली के इंसेक्ट्स पढ़ते हैं ना, नॉक्टिडी फैमिली, पायरेलिडी फैमिली, थ्रिपिडी फैमिली. सो आपका जो ये लीफ एंड पॉड बोरर है, ये भी जो है आपका किससे बिलोंग करता है? पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है. किससे बिलोंग करता है? पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है. ज्यादातर मौत आपकी पायरेलिडी फैमिली से ही बिलोंग करती है, जो आपके इनसे क्रॉप में क्षति पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है. ज्यादातर या तो वो पायरेलिडी फैमिली से होती है या फिर वो नॉक्टिडी फैमिली से होती है. ठीक है, तो इनके अलावा जो और फैमिलीज है उनको याद कर लीजिएगा, ये तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आप करके सही आ ही जाएंगे एग्जाम में. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ऑर्डर ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर, लीफ एंड पॉड बोरर का ऑर्डर कौन सा होगा, फटाफट से बताइए. ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप सभी को पता होगा. ऑर्डर ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर, लीफ एंड पॉड बोरर का ऑर्डर क्या होगा? कॉलियोप्ट्रा ऑर्डर होगा, लैपिडोप्ट्रा ऑर्डर होगा, थाइसिनाप्ट्रा ऑर्डर होगा, या डिप्ट्रा ऑर्डर होगा? ऑर्डर ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर क्या होगा बताइए फटाफट से. लैपिडोप्ट्रा भाई, मोथ और बटरफ्लाई हमेशा लैपिडोप्ट्रा ऑर्डर से ही बिलोंग करती है, तो क्या होगा इसका आंसर? लैपिडोप्ट्रा ऑर्डर होगा, है ना? सो इफ एनी वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ऑल्सो और फसाई, सो गाइज यू हैव अ टेस्ट सीरीज, नॉट प्रॉपरली अ टेस्ट सीरीज, अ मॉक टेस्ट बैच, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जिसका डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरीके से रखे जाएंगे जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं. सो यू कैन एनरोल इन देम ऑल्सो, आई विल शो यू इन द एंड ऑफ द क्लास. ओके, चलिए. लीफ एंड पॉड बोरर इज अ, लीफ और पॉड बोरर क्या है? स्पेसिफिक पेस्ट है, स्पोरेडिक पेस्ट है, पॉलीफेगस पेस्ट है, या रेगुलर पेस्ट है? ये आपका जिंजली, लीफ एंड पॉड बोरर कौन सा पेस्ट है? स्पेसिफिक पेस्ट है, स्पोरेडिक पेस्ट है, पॉलीफेगस पेस्ट है, या रेगुलर पेस्ट है? बताइए फटाफट से क्या होगा इसका आंसर. अरे गैस ही कर लो भाई, इसका आंसर होगा स्पेसिफिक पेस्ट, है ना? नाम में ही आ रहा है, जिंजली लीफ एंड पॉड बोरर. जिंजली का मतलब मैंने बताया था आपको तिल होता है, तो तिल लीफ एंड पॉड बोरर है, तो ये तिल का स्पेसिफिक पेस्ट है, तिल का स्पेसिफिक पेस्ट है, केवल तिल ही क्रॉप में ही आता है, लॉयलिटी है इसकी, किसी और क्रॉप में नहीं जाएगा. ऐसा नहीं है तिल नहीं मिला तो कहीं और चला गया, तो ये इसका क्या है, स्पेसिफिक पेस्ट है तिल का. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. एडल्ट लेज एग, एडल्ट्स ले करते हैं इसके एग, कितने नंबर में करती हैं एडल्ट फीमेल्स? ऑफ कोर्स 100 to 130 एग्स पर फीमेल, और 200 to 300 एग्स, 300 एग्स और 500 एग्स. व्हाट इज द नंबर ऑफ एग लेइंग बाय द फीमेल, या कहूँ कि फिकंडिटी फीमेल की कितनी होती है? 100 to 130, 200 to 300, 300 और 500. व्हाट इज द एग लेइंग कैपेसिटी? तो इसकी एग लेइंग कैपेसिटी है बच्चों 100 to 130, 100 to 130 इसकी एग लेइंग कैपेसिटी है. ठीक है,
जी विवेक, आपका एफसीआई का पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है, नो डाउट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, इन्फेस्टेशन सिम्टम्स ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर। इन्फेस्टेशन सिम्टम्स ऑफ लीफ एंड पॉड बोरर, यानी कि जब ये लीफ एंड पॉड बोरर आपकी क्रॉप पर विजिट कर रहा है, आपकी क्रॉप पर आ रहा है, फीड कर रहा है, तो कौन से इसमें आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि भैया ये देख के मुझे पता चल गया है ना कि ये लीफ पॉड बोरर मेरे प्लांट पर आया था या आया है। ठीक है, तो वो कौन से सिम्टम्स होते हैं? वेब्ड लीफ एट द टॉप विद यंग कैटरपिलर्स, जो प्लांट का ऊपर का हिस्सा होता है, जो कच्ची लीफ वाला हिस्सा होता है, इसमें वेब्ड लीव्स मिलती है। वेब्ड लीफ का क्या मतलब है? यानी कि लीफ जो आसपास की लीफ होती है उनके बीचेस वेब्स बनाए जाते हैं, और लाइक दे आर क्रम्बल्ड है ना, तो वो नॉर्मल से अलग दिखती हैं, तो ये वेब्ड लीफ होती हैं। और इनमें आपको यंग कैटरपिलर भी दिखाई देंगे जब आप उनको थोड़ा और क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। साथ ही साथ आपको छेद दिखाई देंगे अपनी शूट्स में, फ्लावर बर्ड्स में, पोड्स में, जिनमें भी ये बोर करता है उनमें इसका होल होगा जिससे इसने बोर किया है, अंदर गया है, तो बोर्ड होल्स आप देख पाएंगे। तो इनसे आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई, जिंजली लीफ एंड पोड बोरर का अटैक हुआ है। स्वॉलन एंड इसमें नहीं होते हैं, देयर आर नो स्वॉलन एंड। स्वॉलन एंड हमने किस में पढ़ा था? स्वेलन एंड हमने ग्रब्स में पढ़ा था, व्हाइट ग्रब्स में। किस में पढ़ा था? व्हाइट ग्रब्स में। यानी कि व्हाइट ग्रब्स में क्या होता है, जब वो काटते हैं तो जिस जगह से प्लांट को काटते हैं तो वहां से सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है टिश्यू में, तो स्वॉलन एंड प्रेजेंट होते हैं। ये व्हाइट ग्रब में होता है, इसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए एंड बी, वेब्ड लीव्स एंड बोर्ड शूट ऑफ फ्लावर एंड बर्ड्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, प्यूपेशन ऑफ जिंजली लीफ एंड पॉड बोरर टेक्स प्लेस इन। इस इंसेक्ट की प्यूपेशन कहाँ होती है, यानी कि ये रेस्टिंग स्टेज में, प्यूपेशन स्टेज में जब जाता है तो प्यूपेट कौन सी कहाँ पर करता है? स्टेम में करता है, सिल्कन कोकून में करता है, सॉइल में करता है, या विद इन वेब करता है? विद इन द वेब करेगा, यानी कि वेब्स के बीच में ही अपनी प्यूपेशन करता है ना, स्टेम में करता है, सिल्कन कोकून में करता है, या सॉइल में करता है। तो मैंने आपको बताया था इसके सिम्टम्स में भी, सिम्टम्स में हमने क्या देखा था कि ये वेब्ड लीव्स बनाता है, तो ये उन्हीं वेब्स के बीच क्या करता है, अपना रेस्टिंग स्टेज करता है, प्यूपेशन करता है ना। वेब्स क्या होते हैं बच्चे? आपके जाले होते हैं, जैसे घर में जाले लगे देखे होंगे मकड़ी की वजह से, उसको वेब कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये भी वेबिंग करता है, जैसे आपके स्पाइडर्स और मकड़ी वेबिंग करती हैं। उन्हीं वेबिंग्स के बीच जो है, वेब्स के बीच ये अपना प्यूपेशन यानी कि रेस्ट करता है और एडल्ट बन के बाहर निकलता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? विद इन द वेब। कल्चरल प्रैक्टिस टू कंट्रोल द इंसेक्ट। इस इंसेक्ट को अवॉइड करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इनमें से किस कल्चरल प्रैक्टिस का यूज किया जा सकता है? अर्ली सोइंग यूज की जा सकती है, लेट सोइंग यूज की जा सकती है, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स ज्यादा डालेंगे तो इस इंसेक्ट का अटैक कम होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। जी लॉजिकल साइंस, पूछिए क्वेश्चन। इमोशनल साइंस कौन सी होती है, जो नाम लॉजिकल साइंस रखना पड़ गया? साइंस इज ऑलवेज लॉजिकल। चलिए अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए जब तक हम अपना यहाँ का डिस्कशन कर लेते हैं। सो गाइस, कल्चरल प्रैक्टिस व्हिच इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग दिस जिंजली लीफ एंड पॉड बोरर इज योर अर्ली सोइंग। ठीक है, जबकि अर्ली सोन क्रोन होती क्रॉप होती हैं, जो टाइम से पहले आप सो करते हैं ना, 10-15 दिन पहले अगर आप सोइंग कर देते हैं तो इसका अटैक आपकी क्रॉप में कम होता है, या कहिए कि इसके अटैक से नुकसान आपकी क्रॉप में जो है कम होता है, कि जब तक ये आपकी क्रॉप पर विजिट करता है आपकी क्रॉप जो है पकने की स्टेज पर आ जाती है। तो अर्ली सोइंग जो है इसमें बड़ी ही फायदेमंद रहती है। तो सेम की सोइंग जो है आपको थोड़े दिन पहले करनी है, और इससे आपको थोड़ा बहुत छुटकारा तो मिल ही जाएगा। सो इट इज़ वन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस।
अगर बात करें केमिकल कंट्रोल की, तो केमिकल कंट्रोल के लिए आप कौन से केमिकल्स का यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग योर जिंजली लीफ एंड पोड बोरर? जिंजली लीफ एंड पोड बोरर के कंट्रोल के लिए किन केमिकल्स का यूज किया जाता है? डाइक्लोरोवोस का किया जाता है, क्लोरोपाइरीफोस का किया जाता है, कार्बामेट्स का किया जाता है, या फिर ए एंड बी ओनली? केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, केमिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स, डाइक्लोरोवोस, क्लोरोपाइरीफोस, कार्बामेट्स एंड ए एंड बी, क्या होगा इसका आंसर? सो इसका आंसर है गाइस डाइक्लोरोवोस एंड क्लोरोपाइरीफोस। ठीक है, डाइक्लोरोवोस एंड क्लोरोपाइरीफोस दोनों ही केमिकल्स का यूज किया जा सकता है फॉर कंट्रोलिंग दिस इंसेक्ट। ठीक है, कितनी मात्रा में यूज करना है? लगभग लगभग 2 ml। क्लोरोपाइरीफोस जो है लगभग हमेशा आपको 2 ml, 1.5 ml, 2.5 ml इतना ही यूज करना होता है। ठीक है, तो डाइक्लोरोवोस और क्लोरोपाइरीफोस दोनों का यूज आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी आपका होगा, विच इज ए एंड बी बोथ। चलिए, नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट इंसेक्ट। अब इस इंसेक्ट के मुंह दिखाई करते हैं और पहचानते हैं कि ये इंसेक्ट कौन सा है। तो क्या लग रहा है, मच्छर जैसा दिख रहा है कुछ कुछ, है ना? पर मच्छर नहीं है, इतना मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो ये कौन सा इंसेक्ट है? आइडेंटिफाई द इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द इंसेक्ट, बताइए क्या लग रहा है कौन सा इंसेक्ट है? तिल का ही इंसेक्ट है, सिसिमम का ही इंसेक्ट है, बट मस्कीटो नहीं है। ओके, सो इस इंसेक्ट का नाम है आपका गॉल फ्लाई। क्या है? गॉल फ्लाई। तो ये आपकी गॉल फ्लाई है, इसकी जो लेग्स हैं काफी लंबी लंबी आपको दिखती है, तो ये आपको मॉस्किटो जैसा लगता है, साइज में भी ये छोटा होता है एज कम्पेयर टू हाउस फ्लाई। ठीक है, तो ये मॉस्किटो जैसा होता है। यस, सो आई थिंक इंदुमती हैज गिवन द राइट आंसर एंड फाइनली समबडी हैज आंसर्ड, सो आई एम हैप्पी। चलिए, आइडेंटिफाई कर लिया है तो इसका साइंटिफिक नेम भी बता दीजिए क्या होता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गॉल फ्लाई? गॉल फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्फोडाइलिया सिसेमम है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है, एपो एपो एरेमिया मोडिसिला है, काइलो इन्फिस्किटेलस है। दिस इज वेरी इजी टू गेस, ये बहुत इजी है गेस करने के लिए। दिस इज वेरी इजी टू गेस, बताइए फटाफट से साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राउंड, सॉरी नॉट ग्राउंड नट, लीफ माइनर, इट शुड बी योर गॉल फ्लाई। ओके, साइंटिफिक नेम ऑफ गॉल फ्लाई, साइंटिफिक नेम ऑफ गॉल फ्लाई क्या है? अरे यार ऐसे नहीं करो, ए इज द आंसर। सिसेमा आ तो गया है, इसके नाम में ही सिसेम आ गया है, तो ए आंसर होगा, एस्फोडाइलिया सिसेम। ठीक है, एस्फोडाइलिया सिसेम, तो ये सिसेम की डाली पर बैठने आ जाता है, तो इसका नाम क्या होता है? एस्फोडाइलिया सिसेम इसका नाम हो जाता है। ठीक है, तो ए इसका नाम है भाई, ये तो मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग सभी लोग आंसर कर देंगे, है ना? तो ए आंसर होगा। चलिए, मूविंग टू द फैमिली ऑफ द गॉल फ्लाई। गॉल फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है? गैलिचिडी फैमिली से बिलोंग करता है, सेसिडोमाइसिडी फैमिली से बिलोंग करता है, फाजमिडा से बिलोंग करता है, या पायरेलिडी फैमिली से बिलोंग करता है? गॉल फ्लाई किस फैमिली से बिलोंग करता है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स में ये किस फैमिली में फॉल करेगा? गैलिचिडी में फॉल करेगा, सिसिडोमाइसिडी में फॉल करेगा, फेजमिडा में फॉल करेगा, या फिर पायरेलिडी फैमिली में बिलोंग करेगा? क्या होगा आंसर? गॉल फ्लाई कहां पर फॉल करेगा बच्चे? गॉल फ्लाई आपका सेसिडोमाइसिडी में फॉल करेगा। किस में फॉल करेगा? सेसिडोमाइसिडी। ठीक है, तो सेसिडोमाइसिडी आपकी नई फैमिली है, नया नाम है। अभी तक हम नॉक्टुडी, पायरेलिडी यही सब पढ़ते आ रहे थे, गैलिचिडी, तो इनमें सब की आपकी मोथ आती हैं। ठीक है, मोथ आती हैं। सो दिस इज अ गॉल फ्लाई एंड इट्स ऑर्डर विल बी आस्क्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपकी सेसिडोमाइसिडी फैमिली से बिलोंग करता है, बी इज द आंसर।
तो अब फटाफट से इसका ऑर्डर बता दीजिए. गॉल फ्लाई इसका नाम है, तो ये किस ऑर्डर से बिलोंग करेगा? आइसोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, थाइसेनोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा, फास्मिडा से बिलोंग करेगा या डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करेगा? टू विच ऑर्डर द गॉल फ्लाई इज रिलेटेड टू? गॉल फ्लाई इनमें से किस से रिलेटेड है? आइसोप्टेरा से रिलेटेड है, थाइसेनोप्टेरा से रिलेटेड है, फास्मिडा से रिलेटेड है या डिप्टेरा से रिलेटेड है? एंड 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 स्टार्ट प्रिपेयरिंग गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग. आपका ऑलमोस्ट देखिए, अब जब तक आपका रक्षाबंधन, अगस्त, ये आज़ादी दिवस, ये सब जाएगा, आप थोड़े फेस्टिव मूड से बाहर रहेंगे. आधा अगस्त आपका जा चुका है. वी आर एक्सपेक्टिंग योर नोटिफिकेशन इन द एंड ऑफ द अगस्त और द सेप्टेम्बर. तो अब दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है. स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अपना मनोबल मत खोइए कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है. इट इज लाइकली टू कम इन द सेप्टेम्बर और अगस्त एंड. तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ. थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दो, पीछे का रिवाइज करना शुरू कर दो, ठीक है? चलिए, तो ये किससे बिलोंग करता है? यस, डिप्टेरा से बिलोंग करता है. भाई फ्लाई है, हम सबको पता है फ्लाईज किससे बिलोंग करते हैं? डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है. तो आंसर क्या होगा? डिप्टेरा, डी विल बी योर आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डज गॉल फ्लाई लेज इट्स एग? गॉल फ्लाई अपने अंडे कहाँ देती है? सॉइल में देती है, लीव्स में देती है, पीटियोल में देती है या ओवरीज में देती है? वेयर डज गॉल फ्लाई लेज एग्स? गॉल फ्लाई अपने अंडे कहाँ देती है? सॉइल में देती है, लीव्स में देती है, पीटियोल में देती है या ओवरीज में देती है? बताइए फटाफट से. वेयर डज गॉल फ्लाई लेज इट्स एग? सॉइल, लीव, पीटियोल और ओवरी? तो बच्चे, आपके गॉल फ्लाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग काम करती है, ठीक है? क्या इंटरेस्टिंग काम करती है? ये जो आपके फ्लावर होते हैं, फ्लावर में ओवरी जो होती है नीचे की तरफ, उसमें अंडे ड्रॉप करती है. सबसे सेफेस्ट प्लेस पे करती है ना, ना कहीं गिरेंगे, ना धूप लगेगी, ना पानी की जरूरत पड़ेगी, है ना? तो आपका जो फ्लावर होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, दिस इज योर स्टिग्मा. ऊपर के को स्टिग्मा कहते हैं, दिस इज योर स्टिग्मा, राइट? वैसे तो सभी बायो स्टूडेंट हैं, पता होगा. ये आपका स्टाइल है, ये आपका ओवरी है. अरे मतलब ऐसा किसके साथ होता है भाई? चलिए स्टार्टिंग अगेन. तो ये आपका ओवरी होता है नीचे, ठीक है? तो ये अपने अंडे फीमेल पार्ट में, यहाँ ओवरी में ड्रॉप करती है. यहाँ पर जब इसके अंडे हैच होते हैं, इसके इमेच्योर लार्वा जो निकलते हैं, ये भी क्या करते हैं? मैगेट्स कहते हैं, नॉट लार्वा. इसकी जो इमेच्योर स्टेज होती है फ्लाइज की, उनकी इमेच्योर स्टेज को क्या कहते हैं? मैगेट्स कहते हैं. तो यहाँ पर इसमें जो अंडे हैच होने के बाद इसमें मैगेट्स निकलने वाले हैं, ये नहीं रुकने वाला. तो जो आपकी ग्रोइंग ओवरी है, जो सीड डेवलप हो रहे हैं, वो उन्हीं पर फीड करते हैं, ठीक है? तो वहीं पर अंदर उन्हें खाना पीना मिल जाता है, सबसे सेफ जगह मिल जाती है. तो आपकी गॉल फ्लाई जो है लीव फ्लावर के ओवरी में अपने अंडे देती है. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग जो जनरली देखने को नहीं मिलती है. तो एग्जामिनर कैन आस्क यू, तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा. तो आंसर क्या है? डी आपका आंसर है, ओवरी. चलिए अगला, डैमेजिंग सिम्टम्स ऑफ गॉल फ्लाई. गॉल फ्लाई के डैमेजिंग सिम्टम्स क्या है, यानी कि क्या क्या ये हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाती है? तो बच्चे, फर्स्ट इज द माल फॉर्मेशन ऑफ पोड्स विदाउट प्रॉपर सेटिंग ऑफ द सीड्स. क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये ओवरी में अंडे देती है, वहीं पर जो मेगट्स होते हैं वो ओवरी के डेवलप्ड सीड्स पर फीड करते हैं अंदर ही अंदर. तो क्या माल फॉर्मेशन होगा? तो विदाउट सीड की आपकी ओवरी बनती है, सीड सेटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि ओवरी पर अंदर ही फीड कर रहे हैं. अगर सीड सेटिंग होती है, कैप्सूल बनता भी है, तो वो माल फॉर्म्ड बनता है, डिफॉर्म्ड बनता है, अच्छा नहीं बनता, है ना? तो माल फॉर्म्ड पोड मिलते हैं, सीड सेटिंग पुअर होती है, गॉल्ड बड्स मिलते हैं एंड फ्लावर फेड हो जाते हैं, ठीक है? तो फ्लावर इसके फेड हो जाएंगे.
फ्लावर ड्राई भी हो जाएंगे या फिर बड्स जो होंगे वो गॉल फॉर्मेशन में होंगे, यानी कि ट्यूमर फॉर्मिंग बड्स बन जाएंगे। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपको देखने को मिलते हैं अपने प्लांट में जब गॉल फ्लाई आपके प्लांट को अटैक करती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चे, ऑल ऑफ द अबव। क्या है आपका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। कितने घंटे अटेंड करने हैं ये बताओ तुम लोग क्लास को, कितना घंटा अटेंड करना है क्लास का? सो एंड तो इतनी आसान नहीं है भाई, क्योंकि अगर हम एक ही दिन में बहुत सारा कर लेंगे ना, सारे इनचेक कर लेंगे तो सारे मैसअप हो जाएंगे। सो हम बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं, जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती ऑफ कोर्स, तब तक आपको ये सारे इंसेक्ट अच्छे से याद हो जाएं और आप जो है इनको रिवाइज भी कर पाएं। सो बच्चे आपकी ये जो क्लास है रोज़ 11 बजे लगती है, पर आपकी अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स लगते हैं। तो आज आई गेस सैटरडे इज़ योर एंटोमोलॉजी एंड ट्यूसडे इज़ योर एंटोमोलॉजी आई गेस। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो है आपकी रोज़ क्लासेस लगती हैं। चलिए, तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्यूपेशन की। अगेन मैम ने करेक्ट नहीं किया है, यहाँ पर गाल फॉर्मेशन आएगा, गाल फ्लाई आएगा, गाल फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो गॉल फ्लाई की प्यूपेशन कहाँ पर होती है, यानी कि गॉल फ्लाई अपना रेस्टिंग स्टेज या प्यूपेशन कहाँ करता है? सॉइल में करता है, लीव्स में करता है, कोकून में करता है, या मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल्स में ही कर लेता है? तो आंसर क्या होगा बच्चे, ए बी सी या फिर डी, सॉइल, लीव्स, कोकून या फिर मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल। तो आंसर क्या है यहाँ पर, मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल। ये जो अपनी रेस्टिंग स्टेज है, ओवरी में ही जो है इसका जन्म हुआ था, वहीं पर ये फीड कर रहा था, और डेवलपिंग एम्ब्रियोज में जो आपका ये कैप्स्यूल बनता है, मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल, उसी में ये प्यूपेट कर लेता है। तो इसकी ज़िंदगी जो है उसी के आसपास ख़त्म हो जाती है बेचारे की। ठीक है, तो मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल में ही ये क्या करता है, प्यूपेट कर लेता है। सो डी विल बी द आंसर, मालफॉर्म्ड कैप्स्यूल्स। पीक एक्टिविटी ऑफ गॉल फ्लाई, पीक एक्टिविटी ऑफ गॉल फ्लाई किस मंथ में देखी जाती, किस मंथ में गॉल फ्लाई ज्यादा एक्टिव होती है, क्रॉप पर ज्यादा विजिट करती है, क्रॉप को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है? जनवरी फरवरी के महीने में, सितंबर नवंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में, या मार्च अप्रैल के महीने में? पीक एक्टिविटी ऑफ गॉल फ्लाई, गॉल फ्लाई की पीक एक्टिविटी किस महीने में होती है? गॉल फ्लाई की पीक एक्टिविटी होती है बच्चे सितंबर एंड नवंबर के महीने में। किसमें? सितंबर एंड नवंबर के महीने में। सो बी विल बी द आंसर, सितंबर एंड नवंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर मैनेजमेंट। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है? तो पहला तो क्या है, पिकिंग ऑफ द गॉल, पिकिंग एंड बर्निंग एंड शेड बर्ड्स एज अ प्रोफाइलेटिक मेजर्स। तो आप प्रोफाइलेटिक मेजर्स की तरह यूज कर सकते हैं। क्या करना है, जो भी इन्फेस्टेड ट्विग्स है, कैप्स्यूल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको हमने उठाना है, काटना है, फील्ड से रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना है ना। लेकिन दिस इज नॉट फीजिबल, है ना, जिसके पास 10 एकड़ लैंड है भैया, उसके लिए काम बड़ा मुश्किल है। तो वो क्या करेगा, वो तो या तो रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएगा, जैसे कि आपकी N166-5 आपकी रेजिस्टेंट वैरायटी है, जिस पर गॉल फ्लाई विजिट नहीं करती है। साथ ही साथ आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, केमिकल्स का, डाइमिथोवेट का स्प्रे कर सकते हैं 2 ml/L, या फिर मोनोक्रोटोफोस का भी स्प्रे कर सकते हैं, अगेन 1.6 ml/L। ठीक है, तो या तो रेजिस्टेंट वैरायटी लगा सकते हैं N166-5, या फिर केमिकल्स का यूज कर सकते हैं, डाइमिथोवेट एंड मोनोक्रोटोफोस फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस गॉल फ्लाई। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए इंसेक्ट्स के साथ। एंड एज आई टोल्ड यू, आपके फसाई का मॉक टेस्ट बैच इज अवेलेबल। तो जो भी लोग फसाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको अपना अब क्योंकि योर एग्जाम इज नियर, आपको अपना देखना है कितनी प्रिपरेशन हुई है, हाउ यू आर स्कोरिंग एंड हाउ द एग्जाम इज कमिंग, क्योंकि फसाई का पैटर्न जो है बिल्कुल चेंज हो गया है।
The multiple choice will be coming, and objective will be coming, multiple answers will be coming, fill-ups will be coming. पहले ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट यू कैन एनरोल इन द बैच. यू सी बिहाइंड मी आपको प्राइस यहाँ पर दिख रहा है विच इज 1839 आपका ऑफर प्राइस है. ये ऑफर प्राइस आपका तब रहेगा जब आप कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे विच इज Y448. सेम इज विद नाबार्ड स्टूडेंट. जो भी बच्चे नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट दे कैन प्रैक्टिस विद अस. ये केवल सिर्फ मॉक टेस्ट ऐसे नहीं है कि आपको जो है आंसर कीज के साथ क्वेश्चन पकड़ा दिए जाएंगे. इन मॉक टेस्ट में आपके टीचर्स आपके साथ बैठेंगे जहाँ पर आंसर्स डिस्कस किए जाएंगे, उनके रीजंस जाने जाएंगे, सो दैट वो चीज़ें हमें लर्न भी हो साथ साथ. ठीक है, तो ये आपके जो मॉक टेस्ट हैं नाबार्ड के, ये भी आपके अवेलेबल हैं एट द प्राइस 1747.77. अगेन सेम कोड का इस्तेमाल आपको करना है विच इज Y448. Y448 का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ठीक है, गुड बाय गाइज. फिर मिलते हैं अपने नए सेशन में कुछ और नए इंसेक्ट्स की जानकारी के साथ. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा. टेक केयर एंड लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड.